अजमेर रेलवे स्टेशन पर महिला का जेवरात से भरा बैग चोरी हो गया। पता चलने पर महिला बेसुध हो गई और उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लाया गया। वह मंदसौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है और कुचामन शादी में आई थी। चोरी रेलवे स्टेशन के मंदसौर लौटते समय हुई। महिला के अजमेर निवासी रिश्तेदार गोर्धन ने बताया कि मंदसौर निवासी पुष्पा देवी राजपूत कुचामन भांजी की शादी में आई थी। वापस जाने के लिए बुधवार दोपहर करीब 2 बजे रेलवे स्टेशन पहुंची थी, तब उनका जेवरात से भरा बैग चोरी हो गया। चोरी का पता लगते ही वह बेसुध हो गई। रिश्तेदारों ने बताया कि जेवरात कितने क्या थे और इसके बारे में फिलहाल पता नहीं है। महिला के होश में आने के बाद पूरे मामले में रिपोर्ट दी जाएगी। जी सर, क्या वारदात हुई? ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी भाणजी की शादी करके, मेरी बहन के देवर हैं जो मेरी भाणजी की शादी करके जा रहे थे वापस मंदसौर, तो रेलवे स्टेशन के इनके इनकी कोई सामान चोरी हो गया, तो एकदम वो सामान चोरी का नाम सुना तो बेहोश होगी मेरे बहन की जो देवरानी है वो, तो मेरे को टेलीफोन किया, मैं मौके पर पहुँच करके इनको यहाँ जेलन हॉस्पिटल आया हूँ, इलाज चल रहा है। क्या नाम है और कहाँ की? ये इनके पति का नाम गोवर्धन जी है और मंदसौर ही सर्विस करते हैं, मंदसौर जा रहे थे। महिला का नाम मेरे को सोने में सोना क्या क्या गया? लेडीज का गहना गया, क्लियर नहीं है मेरे को तो कभी। तो यार शादी में आए थे? ये शादी अपनी खुद की भतीजी की शादी करके जा रहे थे। कहाँ पे हुई थी शादी? कुचामन में। अभी कहाँ जा रहे थे? मंदसौर। अज्ञात चोरों नहीं हुआ, अज्ञात ही शिकायत दी है इसको लेकर। अब ये पहले इलाज दिखवाएंगे इसको, फिर होके फिर जाएंगे। तो जी आर पी। अच्छा,